जैसा कि आप जानते हैं कि टिकटॉक कब का बैन हो चुका है, टिकटॉक ही आजकल कहां है और किस दशा में, ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अधिकतर छपरी लोग इस ऐप पर अपनी कान ढिलाया करते थे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक ऐसे ही पूर्व टिकटॉकर का। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की सुनाई। शुरू करें? यस। ओके। चश्मा लगा ले तो स्मार्ट लगूंगा। मेरा ना एकदम बचपन में जन्म हो गया था, एकदम चाइल्डहुड में। तो इतना भी शुरू से शुरू नहीं करना था। ओके 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 ओके। मैं ना बस फेमस होना चाहता था। मैं ऐसा चाहता था कि मैं पूरा फेमस हो जाऊं और सारे लोग जो है ना वो मेरे को देखे, मुझे जाने पहचाने। तो मैंने क्या किया कि मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पर डालना शुरू किया। तो शुरू में मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पर डाला, लेकिन व्यूज़ बहुत ही कम आए आए ही नहीं। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर तो टैलेंट ही नहीं है। मेरा दिल मतलब टूट ही गया था उस टाइम कि मैं क्या करूँगा, बिना टैलेंट के मैं कैसे फेमस हो सकता हूँ। मैं बहुत ही परेशान हो गया था। मैं इसी बारे में सोचता रहता था दिन रात। कि तभी मुझे इस ऐप के बारे में पता चला, टिकटॉक। अरे भैया, यहाँ फेमस होने के लिए टैलेंट की जरूरत ही नहीं थी। किसी के गाने पे गांड हिला दो, फेमस। किसी के बोले हुए डायलॉग पे ऐसा ऐसा मुंह चला दो, फेमस। अरे कुछ उठपटांग लाइन लिख के शायरी कर दो, फेमस। अरे कुछ ना आता हो तो बस ये कर दो, फेमस। मैंने कहा ये बात, यही ऐप तो चाहिए था मुझे। तो मैंने क्या किया, टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया और मैंने शुरू किया शायरी से। मुझे लगा शायद शायरी मैं बोलूँगा तो फेमस हो जाऊँगा, तो मैंने शायरी बोलना शुरू कर दिया। अर्ज किया है कि ऐ मेरे महबूब, अबे म्यूजिक तो बजा भोसड़ी के, कि ऐ मेरे महबूब हमने तुझसे इश्क किया है, कि ऐ मेरे महबूब हमने तुझसे इश्क किया है, तेरी तरफ आने वाले हवाओं का रुख मोड़ दूँ, कि ऐ मेरे महबूब हमने तुझसे इश्क किया है, तेरी तरफ आने वाले हवाओं का रुख मोड़ दूं, तेरे लिए दारू छोड़ दूं, बीड़ी से छोड़ दूं, सिगरेट छोड़ दूं, और तू कुछ और छोड़ने के लिए बोले तो तेरी गांड तोड़ दूं। अरे बेवफा मैं तेरे प्यार में भटकता रहूंगा, अरे बेवफा मैं तेरे प्यार में भटकता रहूंगा, तू ना चाहेगी भी तो तेरा हो जाऊंगा, ऐ बेवफा तेरे प्यार में मैं भटकता रहूंगा, तू ना भी चाहे तो मैं तेरा हो जाऊंगा, जा 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 चली जा झाड़ियों में किसी और के साथ, चली जा झाड़ियों में किसी और के साथ, मैं हिलाऊंगा और सो जाऊंगा। मैं इतना अच्छा शायरी बोलने के बाद भी लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा कि कुछ और ट्राई करना चाहिए। तभी मैंने टिकटॉक पे लौड़ी भाई को देखा। अरे लौड़ी भाई ऐसा एकदम स्लो मोशन में चलते और फेमस। मिलियन फॉलोवर, बस ऐसा ऐसा चलने का। मैंने सोचा ये बात, ये चीज मेरे को करनी है। तो मैंने ऐसा चलने का कोशिश किया, लेकिन लौड़ी भाई की तरह चल नहीं पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना लौड़ी भाई से ही मिल के चलने के का तरीका सीखा जाए उनसे। तो मैं लौड़ी भाई के पास गया और उनसे मिला। उनसे मिलने के बाद पता चला कि भैया स्लो मोशन में चलना इतना आसान नहीं है, गान में 5 mm का सरिया डालना पड़ता है फीलिंग के लिए। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं फिर से परेशान हो गया। मैंने टिकटॉक को हल्के में ले लिया था, मतलब भाई वहाँ भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है आने के लिए। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक सफल टिकटॉकर बनना इतना भी आसान नहीं है, इसमें भी भाई मेहनत लगता है, कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। उसने मुझे एक टिकटॉक किट दिया जिसमें एक सफल टिकटॉकर बनने के सारे राज छुपे हुए थे। मैंने देखा कि साला मैं तो शुरू से ही गलती कर रहा था। टिकटॉकर बनने के लिए नॉर्मल काले बाल तो चाहिए ही नहीं। जब तक आपके बालों में हरा लाल पीला नीला रंग ना हो तो लौड़ेगा टिकटॉकर। उसके बाद मुझे पता चला कि आपके होठ
एकदम बंदर की गांड की तरह लाल होने चाहिए, तभी टिकटॉकर कहलाओगे आप। और एक आखिरी में कोई काली सी चीज थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है। मुझे जितना समझ में आया अब उतना तो करना था ही। यो 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 गाइस, तो देखिए मैंने अपने बालों का कलर चेंज कर लिया है गाइस। ये है मेरा टैलेंट, मेरा असली टैलेंट, देखिए गाइस। यो यो काली काली जटिया, या मुझे फॉलो कीजिए गाइस। ये देखिए टैलेंट भरपूर है, क्या टैलेंट है, देखिए गांड गांड से टैलेंट निकल रहा है गाइस। ओह माय गॉड, ओह वाओ गाइस, आप लोग देख सकते हैं गाइस कैसा मेरा टैलेंट है। इधर देखिए गाइस, पूरा टैलेंट भरा हुआ है। ये तो सामने बाल का कलर है गाइस, मैंने गांड का भी बाल रंग लिया है गाइस। बस आपको सपोर्ट चाहिए एकदम, मुझे एकदम फॉलो कीजिए जाके, घायल लौंडा .3737 मेरी टिकटॉक आईडी है गाइस। यो कहा चचा, क्या देख रहे हैं? अरे जवानी में कभी मजा नहीं किया क्या है? अरे बेटा जवानी में मस्ती तो बहुत की है। एक बार बेटा मोर का गान मारे थे तो सोच रहे हैं कि कहीं तुम हमारा ही पैदाइश तो नहीं हो। चला भड़वा कहीं का टिकटॉकर। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया बट सिवाय बेइज्जती के और कुछ नहीं हो रहा था। ना मुझे लाइक मिल रहा था, ना कोई मुझे फॉलो कर रहा था, ना बहुत ही फिर से परेशान हो गया। फिर एक दिन ऐसे ही स्ट्रगल करते करते मैं टिकटॉक वीडियो बना रहा था। वल्लाह हबीबी, तुम हमारे शेर के बच्चे को देखती, इसके लिए हम खच्चर का दूध पिलाती इसको, इसको बड़ा होके हम शेर बनाती। वल्लाह हबीबी क्या नस्ल होती, तुम देखती उसको कितना खूबसूरत होती है। बहुत खूबसूरत होती, बहुत। वल्लाह वो तो एक टिकटॉकर मालूम होती। तुम मेरा काम करती हबीबी, तुम उसको लेके झाड़ी में आती और हम उसको बहुत बड़ा टिकटॉकर बनाती। सलमान हबीबी तुम्हारा आदत बहुत खराब होती, तुम बार बार इसीलिए इंडिया आती। हबीबी तुम अगर मेरा ये काम कर देती, हम तुमको अपने तेल के कुएं में हिस्सा देती। ठीक है हबीबी। हबीबी तू जाती उसको लेके झाड़ी में आती, बहुत बड़ा टिकटॉकर बनना है उसको हबीबी। मुझे तारी रहती है। हेलो उनका ठीक ठाक कर बनना मांगते। हाँ हाँ हाँ। चलो उनका ठीक ठाक कर। कहाँ कहाँ ले जा रहे हो? चलो यार यार कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहाँ ले जा रहे हो भाई ये? A few moments later. उस दिन मुझे पता चला कि वो काली सी चीज क्या थी। अब टिकटॉकर बनने का सारा क्राइटेरिया मैंने पार कर लिया था। उसके बाद मैंने टिकटॉक बनाना शुरू किया जो कि पूरा फेमस हो गया था। अब मैं एक टिकटॉक स्टार बन चुका था। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन कर दिया। मतलब मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मैं इतना मेहनत करके यहाँ पे फॉलोअर ला सकता हूँ तो मैं अलग प्लेटफॉर्म पर भी मतलब फेमस हो सकता हूँ, मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इससे। टिकटॉक 1.1 मिलियन फॉलोअर्स बैन कर दिया रे भोसड़ी। मतलब टिकटॉक बैन हो गया लेकिन ऐसा मुझे कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं एमएक्स खचाखच पर भी वीडियो बनाता हूँ और मेरी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। मैं बिजी रहता हूँ, अच्छी जॉब है मेरे पास, तो मैं तो अरे मालिक हो गया यार, इंटरव्यू कर रहा हूँ मालिक। काम करना है तो इंटरव्यू दे रहा है यहाँ पे भोसड़ी। चल चल जल्दी रख रख धान का बोझा इसकी माँ को। भैया कट कर देना।